मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनकी एपी सीरीज से रिलेटेड हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड 12th, 24th एंड nth टर्म ऑफ एपी गिवन। तो आपने कौन सी 12th, 24th एंड nth टर्म क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। आपको सीरीज है जो एपी में गिवन है वो है 9, 13, 17, 21। सो ऑन है, क्लियर। इस तरह से आगे सीरीज चलती जा रही है। आपने इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 12th, 24th एंड nth, क्लियर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज लिखेंगे जो आपको गिवन है 9, 13, 17, 21। उसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 9। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख ली फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 9, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए होता है 9 हो गया। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस डी। डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस डी 4। तो आपके पास आपको ए मिल गया 9, उसके बाद डी मिल गया आपको 4, क्लियर। कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए और डी की ही क्या होती है, वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें ए और डी दोनों पता चल गए, हमने कौन सी फाइंड करनी है वैल्यू, 12th। तो ए 12th होता है ए प्लस 11d, कल किया था ए प्लस 11d। तो ए की वैल्यू है 9 प्लस 11, डी की वैल्यू है 4। 11 इंटू 4, 9 प्लस 11 इंटू 4, 44, यानी कि ये आ जाएगा 53। उसके बाद ए 24, ए प्लस इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लगा दो डी के साथ, 23d। ए की वैल्यू है 9 और 23d की वैल्यू है 4। 23 जा 23, सॉरी 23 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से आ जाएगा 92 प्लस 9, 101। और ए एन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 9, एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4। तो 9 प्लस 4 एन, 4 को एन से मल्टीप्लाई किया 4 एन माइनस 4, तो 9 माइनस 4 आपके पास क्या बन जाएगा, 5 प्लस क्या बन जाएगा, 4। तो ये आपकी nth टर्म हो जाएगी। तो nth टर्म हो जाएगी आपके पास 5 प्लस 4 एन, और 12th टर्म हो जाएगी आपके पास 53, और 24th टर्म हो जाएगी 101, क्लियर। सो नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी टर्म्स इन गिवन एपीज। आपको टू पार्ट दिए इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19, 25, सो ऑन। लास्ट में है ए एन इज इक्वल टू 205। सेकंड पार्ट में है माइनस 1, 3, 7, 11, सो ऑन, डॉट डॉट, सो ऑन। लास्ट में लास्ट जो टर्म है वो है 95। तो यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि आपने फाइंड करना है इन एपीज में कितने टर्म्स हैं, यानी कि आपने एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन। क्या फाइंड करना है, एन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, 7, 13, 19, 25, और लास्ट में है 205। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए। फर्स्ट टर्म होती है ए, ए इज इक्वल टू क्या है, 7। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 7। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 13, सॉरी 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7, 6। ए एन इज इक्वल टू होता है लास्ट टर्म 205। उसके बाद हमने जनरल फॉर्म जो टर्म लिख के उसको मेथड लगा लिया ए एन के लिए। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, 205। ए की वैल्यू है 7, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। ये 7 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इजिकल टू क्या बन जाएगा, 205 माइनस 7 इजिकल टू 9 माइनस 1 का जा इंटू क्या आ जाएगा, 6। एन माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1 इंटू 6 आ जाएगा। अब देखिए 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 198। और जो 6 है जी, इनके डिवाइड में आ जाएगी, इजिकल टू क्या रह जाएगा, एन माइनस 1। और 198 को 198 डिविजिबल बाय 6, तो 198 को जब हम डिवाइड करेंगे बाय 6 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 33। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 33। ये 1 माइनस क्या है, राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो n की वैल्यू आ जाएगी 34। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। तो इस सीरीज में कितनी टर्म्स होगी, देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में कितनी टर्म्स होगी, 34, क्लियर। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है, तो ये फर्स्ट टर्म जहाँ 7 थी यहाँ कितनी होगी, माइनस 1। कॉमन डिफरेंस 3 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 4। ए एन के लिए आपके पास क्या मेथड होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है माइनस 1, एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4, ए एन लास्ट टर्म है 95। वही मेथड
देखिए ये मन माइनस का है, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 95 एंड 196, ये 4 जो है कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और 96 इज डिविजिबल बाय 4, तो 96 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें ज्यादा देगा 24। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 24, और वन जो नेगेटिव है राइट हैंड साइड में जाकर किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो देयर आर 25 टर्म्स इन दिस गिवन सीरीज, क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन सीरीज के अंदर, एपी सीरीज में हो तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सो नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर टू क्वेश्चन राइट किया मैंने, क्वेश्चन थ्री एंड क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन थ्री क्या कहता है, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय थ्री, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय टू। अब आपने ये बताना है टू डिजिट्स के कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय कितने हैं, थ्री है, डिविजिबल बाय कितने हैं, थ्री है। उसके बाद है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 एंड 250, फोर के कितने मल्टीपल हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स जो 10 और 250 के बिटवीन क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए हम क्या करेंगे, टू डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय थ्री, तो टू डिजिट फर्स्ट नंबर कौन सा है जो टू से डिवाइड होता, जो थ्री से क्या होता है डिवाइड होता है, तो वो है 12। 12 के बाद 15, 18, 21, सो ऑन करके लास्ट में क्या जाएगा 99। 99 के बाद थ्री डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्लियर है हमारे पास जो डिफरेंस है वो थ्री थ्री का है, क्लियर। तो डिफरेंस बिटवीन ऑल टर्म इज सेम सच दैट द गिवन सीरीज इन एपी, तो ये एपी में हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी ए इज इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म है जो है 99 है वो ए एन हो जाएगी आपकी 99। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस डी 15 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए एन, तो ए एन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है यहाँ पे 99, 99 फिल कीजिए, इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री, 19 में 99 सॉरी ए एन की वैल्यू है 99, 99। तो 99 में से 12 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस थ्री इंटू थ्री, 99 में से 12 गए 87, नाइन एन माइनस वन है जो 3n-1 के साथ लगा वो डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर, 87 के। तो 87 इज डिविजिबल बाय 3 व्हिच गिव्स 29, तो हम ये रिजल्ट कितना देगा हमें 29, और n-1 इज इक्वल टू 29 हो जाएगा, और 1 जो है वो नेगेटिव है राइट हैंड साइड में जाकर किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 30। तो देयर आर 30 टर्म्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, और वो ये 30 टर्म्स की कौन सी है, टू डिजिट, देयर आर 32 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, क्लियर। इसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो 4 का मल्टीपल 10 के बाद कौन आता है, आफ्टर 10 11, 12, 12 के बाद 11 तो होता नहीं, 11 फर्स्ट जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 12, 12 के बाद है 16, 20, 24, सो ऑन लास्ट में आ जाएगा 248, क्योंकि 250 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, 249 में नहीं है तो है 248। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है ए, तो ए इज इक्वल टू हमारा हो गया 12, ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 12। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस डी, डी हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, और ए एन है लास्ट टर्म, ये भी क्या है 248 है, ये आपको गिवन है, लास्ट टर्म आ जाएगी 48। सीरीज एपी में है क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो ए एन के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन मीन लास्ट टर्म कौन सी है 248 इज इक्वल टू, ए है फर्स्ट टर्म 12, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 4, 12 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 236, 236। तो एन माइनस वन के डिवाइड में जो 4 लगा है यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू एन माइनस वन, 236 डिविजिबल बाय 4 विच गिव्स द रिजल्ट 59, 59 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो एन देर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो 4 के कितने मल्टीपल हैं, 60 मल्टीपल ऐसे हैं जो 10 और 250 के बिटवीन क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इस तरह से आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं।
इफ सिक्स एंड 17 टर्म ऑफ एपी इज 19 एंड 41। तो आपको किस कोई एपी गिवन है उसकी जो सिक्स टर्म है वो 19 गिवन है, 17 टर्म है 41 गिवन है, तो फाइंड करनी है आपने 40th टर्म। आपने कौन सी टर्म करनी है? 40th टर्म आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो एग्जाम में या टेस्ट में किसी भी जब भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन करना है एग्जाम में या कभी भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन करना, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। देखिए सिक्स क्वेश्चन दिया है, सॉरी सिक्स क्वेश्चन क्या, सिक्स टर्म दिया है, ए सिक्स इज इक्वल टू क्या है 19, तो ए की वैल्यू है ए सिक्स सिक्स है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस 5d इज इक्वल टू 19, विच इक्वेशन वन का नेम दे दो इसको। ए 17 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 16d इज इक्वल टू 41, इसको आप किसका नाम दे दो, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड का। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम सेकेंड, वन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो किसमें से, सेकेंड इक्वेशन में से। देखिए कैसे ए माइनस ए कट हो गया, 0 हो गया, 16 माइनस 5 11d, 16d माइनस 5d इज इक्वल टू 11d, 41 माइनस 19 ये विच गिव्स 22, 22। उसके बाद d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2, तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो d की जो वैल्यू है 2 वो आपने इक्वेशन 1 में फिल कर दी। क्या है a प्लस 5d है, d की वैल्यू क्या फिल कर दी 2, 5 2 10 इज इक्वल टू 19, तो ए 5 2 10 इज इक्वल टू 19, और 19 माइनस 10 10 है जो इधर पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 और डी की वैल्यू है हमारे पास 2। क्लियर? तो वी हैव टू फाइंड 40th टर्म, हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 40th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि ए 40, ए 40, तो ए 40 को क्या लिखोगे, ए प्लस 39d, ए प्लस 39d, तो ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 9, ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 9। उसके बाद 39 डी की जो वैल्यू है 2, 39 को 2 से क्या 78 प्लस 9, तो 78 प्लस 9 क्या आ जाएगा 87, तो इसकी 40 टर्म आ जाएगी 87 आ जाएगी। तो यही हमने क्या करना था फाइंड, तो ए 40 कितनी आ जाएगी 87, 40th टर्म आ जाएगी आपकी 87। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।